खुश आमदीद ऑन माई व्लॉग्स। मैं हूँ रहमत दिल्ली से, और आज है 3 जून, और 3 जून के दिन मैंने जो भी किया सब रिकॉर्ड किया है। आप आराम से मेरे व्लॉग को पूरा देखें, जो भी आपको समझ में आए ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए। व्लॉग देखने से बहुत सारे आपको आइडियाज़ टिप्स मिल जाते हैं। मैं भी अपने फ्री टाइम पे व्लॉग ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं मुझे सीधे आराम से मोबाइल में देखने को मिल जाता है, और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत ही चीज़ इंसान सीख जाता है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पीले आलू की भुजिया, जो कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तेल डालना है, खड़ी लाल मिर्च, लहसुन डालना है उसमें, लहसुन को कुछ पकाकर उसमें आलू हल्दी नमक देकर फ्राई कर देना। और कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं दही जमाई थी, और माइक्रोवेव में मैंने डाल दिया था इसे, और 5 से 6 घंटे में इतनी अच्छी दही जमकर निकली है, मतलब आपको क्या बताऊँ, एकदम कटाव दही, बहुत ही अच्छी वाली दही जमी थी। और जब भी मैं लेज़ी फील करती हूँ ना, जिससे कि मुझे कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा है, तो मैं यही पीले आलू की भुजिया बना देती हूँ, लहसुन वाली और दही रोटी। और मुझे बचपन से ये पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो बचपन में अम्मी मुझे बनाकर दिया करती थी। तब से मेरे को आदत लग गई है कि जब मुझे लेज़ी फील हो रहा है ना, तो ये आलू की भुजिया बनाओ, रोटी बनाओ और खा लो। महरीन भी शौक से खा लेती है, तो उसे भी मैंने दे दिया। उसने रोटी तो नहीं खाई उतनी, लेकिन दही पूरी खाई, और आलू की भुजिया उसे बहुत अच्छी लगी, और उसने सारा खाया था। और जैसे कि गर्मियों का मौसम है, आम का मौसम है, आम तो आ रहा है, लेकिन कच्चा आम जिससे कि हम लोग अचार बना सकें, वो दिन भी आ गया है। जी हाँ, और मैंने आम का अचार बनाने की तैयारी भी कर ली है। और यहाँ पर मैं अभी भून रही हूँ काली मिर्च, और मैंने ज़ीरा भी भूना है, और उसको फिर मिक्सर में अच्छे से डालकर उसका घर पे ही मैंने पाउडर बना लिया है। और अक्सर मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, हर 15 से 20 डेज़ पे बाहर वाला मसाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, इसी तरह से मैं पीस के रख लेती हूँ। आप लोग क्या करते हो, बाहर का डब्बा का मंगवाते हो, क्या करते हो मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पर आम आ गया है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट वगैरह जाना नहीं है कोरोना वायरस के डर से, तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। जाओ और कोई आदमी बगल में छींक या खांस या थूक देता है, तो ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ है तो नहीं, मतलब बहुत ही क्या कहें, गज़ब सा ज़माना आ गया। तो मुझे ठेले पर जो भी आम आया था मैंने उसे ले लिया, मुझे अचार बनाना ही था। मैंने 2.5 किलो आम लिया था, थोड़ा आम में पता नहीं क्या इस तरह का लगा हुआ था, तो मैंने उसे काट काट के इस तरह से हटा लिया है। और जो भी मुझे इस तरह की चीज़ दिखी, मैंने आम को अच्छे से धुल लिया, सूखने को भी दे दिया था, और उसके बाद मैं जो भी मुझे गंदी चीज़ इसमें दिख रही है मैं उसे काट कर हटा ले रही हूँ। और आम तो मोस्टली मार्केट से वो जो आम वाले काट कर देते हैं आम को, और उसके बाद फिर घर में आकर अचार बनता है, लेकिन मैं हमेशा हर साल 1.5 किलो या 2 किलो या 2.5 किलो का अचार बनाती हूँ, और घर पे इस तरह से आम को काट कर बनाती हूँ, और छोटे छोटे पीसेस वाला अचार आप भी ट्राई करिएगा। छोटे छोटे पीसेस का जो अचार आप बनाइएगा ना, देखिएगा वो बर्बाद नहीं होता। बड़े बड़े पीस वाला जो आम का अचार होता है ना, वो लोग है ना खाना छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा खाया थोड़ा फेंक दिया, और फिर वो यूज़ किया हुआ जो अचार जो होता है फिर से उसको डाल दो किसी चीज़ में, उससे ना आम का अचार ख़राब भी हो जाता। तो मैं हमेशा ना इस तरह से छोटे छोटे पीस काट करके बनाती हूँ ना, इससे कि आदमी 1 या 2 पीस खाया ओवर हो गया, आम का अचार बर्बाद नहीं होता है, और इससे आम का हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तो इस तरह से मैं काट लेती हूँ आम का अचार। और यहाँ पर सारे कटे हुए आम को मैं ले रही हूँ। इसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ हल्दी और नमक, और इसे लगभग 4 से 5 दिन धूप में छोड़ने वाली हूँ, ताकि आम के अंदर जो भी पानी है वो नमक और हल्दी से निकल जाए, और उससे ना अचार काफ़ी दिन तक अच्छा रहता है। आप 1-2 साल इस तरह से अगर आम को पहले से ही नमक देकर हल्दी देकर धूप में चरा देते हो, उसका पानी आम का में जो भी पानी रहता है उसका मॉइस्चर जो भी है नमक देने से निकल जाता है, उसके बाद उस पानी को आप फेंक दो, और उसके बाद अचार में मसाला लगाओ, और वो वाला आम का अचार अगर आप 2 साल भी रखते हो ना आम के अचार को, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे, आम के अचार बनाने से पहले उसको मैं
धूप में रखूंगी कुछ दिन इसी तरह से हल्दी और नमक देकर। इसे तो मैंने धूप में रख दिया है और अब हो चली है शाम। मुझे बाहर से कुछ सामान लेना था तो मैं हिम्मत करके आज निकल गई, लेकिन रात का खाना मैंने नहीं बनाया था। बहुत दिनों के बाद मैंने नज़ीर से खाना ऑर्डर किया है, बटर नान और बटर चिकन, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का। तो आज रात का डिनर कुछ ऐसा ही था। तो इसी तरह से मेरा दिन कट गया, खाते पीते कुछ करते। आप लोगों का दिन कैसे कट रहा, क्या क्या कुछ स्पेशल कर रहे हो, मुझे कुछ बताओ। मैं कुछ स्पेशल क्या करूं, क्या बनाऊं, ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह का आज का वीडियो था। अच्छा लगा तो लाइक कर दे, ख़राब लगा तो डिसलाइक मत करिएगा। टिल देन बाय।